नमस्कार दर्शकों, अचानक से घर में परेशानियां बढ़ जाती हैं, परिवार के सदस्यों के बीच आपसी प्रेम कम होने लगता है, लड़ाई झगड़े और तनाव की स्थिति बनी रहती है, तमाम कोशिशें करने के बावजूद घर में सुख शांति नहीं रहती, धन संबंधित समस्याएं होने लगती हैं। इन सारी समस्याओं के लिए वास्तुशास्त्र में बहुत सारे ऐसे आसान उपाय बताए गए हैं जिनको करने से घर में सुख समृद्धि और खुशी बनी रहती है। जानते हैं क्या है। सप्ताह में एक बार घर में गुलगुल या लोवान की धुनी दिखानी चाहिए, इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा निकल जाती है। हर गुरुवार को तुलसी के पौधे में गाय का शुद्ध दूध चढ़ाना चाहिए, इससे सुख समृद्धि आती है। रोटियां सेकने से पहले तवे पर दूध की छींटे मारने से घर के सदस्यों में आपसी प्रेम बढ़ता है। दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि ये सारे जब आप जो उपाय करते हैं, प्रतिदिन पहली रोटी गाय को खिलानी चाहिए। गाय में देवी देवताओं का वास माना जाता है। वास्तु के अनुसार पूजा घर में कभी भी सूखे फल नहीं रखने चाहिए। सूखे फलों को हटाकर बहते जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। सूखे फूल रखने से नकारात्मक वास्तु के अनुसार पूजा घर में कभी भी सूखे फूल नहीं रखने चाहिए। सूखे फूलों को हटाकर बहते जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। सूखे फूल रखने से नकारात्मकता आती है। अगर सजावट के लिए फूल लगाए हैं तो उन्हें भी हमेशा ताज़ा ही लगाएं। घर की बैठक में हमेशा आशीर्वाद मुद्रा में संत महात्माओं का तस्वीर लगानी चाहिए। घर की छत पर कभी कूड़ा कबाड़ इकट्ठा ना होने दें। टूटी और बेकार की चीज़ों को घर से बाहर निकाल दें। वास्तु में हरियाली से भरे हुए चित्रों का बहुत महत्व माना जाता है। ऐसे चित्र लगाने से मन प्रसन्न रहता है, इसलिए घर के दक्षिण पूर्व में हरियाली वाले चित्र जरूर लगाएं। जब भी गेहूं पिसवाने के लिए जाएं तो उसमें दो दाने नागेश सर और 11 तुलसी की पत्तियां मिला दें। घर में अनावश्यक पानी ना बहाएं। अगर नल से पानी टपकता है तो उसे तुरंत सही करवाएं। घर में सरसों के तेल का दिया जलाएं, उसमें लौंग डाल दें। तुलसी के पौधे को घर की पूर्व दिशा में रखें। जहां भी पौधा रखा है उस स्थान की स्वच्छता का विशेष तौर पर ध्यान रखें। अगर आपके घर में नुकीला फर्नीचर है तो उसके किनारे को गोल करवा दें। गोल किनारे वाले फर्नीचर शुभ माने जाते हैं। घर के पानी का निकास पूर्व या उत्तर दिशा में करना सही रहता है। तो दर्शकों, ये थी वास्तु से जुड़ी एक छोटी सी जानकारी। अगर आपको पसंद आई हो तो आप हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट 9 स्पीचों से रजत की रिपोर्ट।